नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के स्टूडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से ही हम जॉब और जॉब रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और उन वीडियो के दौरान मैं आपको पूरे भारत में जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं अलग अलग सेक्टर्स में उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। यहाँ पे इस अथॉरिटी के द्वारा कुछ रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है, नौकर भर्ती की जाने वाली है और जॉब ऑफर किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण द्वारा जो भी नौकरियाँ उपलब्ध हैं, जो भी जॉब उपलब्ध हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। रिसेंटली इनका एक ऐड आया था और उन ऐड में उन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट करने के बारे में बोला है, तो उस रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है NHAI रिक्रूटमेंट 2021 और इसके दौरान जो भी रिक्रूटमेंट होने वाला है उस पर हम पूरे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आज का ये जो मुद्दा है NHAI रिक्रूटमेंट 2021 और इस बारे में आज हम बात करेंगे। मैं बोलूँगा क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस, कितने पोस्ट हैं, कितना सैलरी मिलेगा और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा और एप्लीकेशन कैसे करना है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये मेरा एकेडमिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करना है। ये है मेरा एकेडमिक यूट्यूब चैनल, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स। इसके द्वारा मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, चाहे वो लेक्चर की हो, चाहे वो टॉपिक्स का हो, कोई हो करियर हो, रिसर्च हो, जॉब्स हो और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम इस पर बात करते हैं। इसके द्वारा हम वीडियो बनाते हैं और आप तक वो लेके आते हैं। अभी तक आपने ये वीडियो चैनल और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी नए हो इस चैनल पर, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार की नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मुझे आपसे और एक दरख्वास्त है, बिना कट किए, बिना फॉरवर्ड किए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए। और ये है आज का वीडियो। जैसे कि हमें पता है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके द्वारा कुछ पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द वेरियस पोस्ट। उनके यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं। इनवाइटेड दे आई हैव इनवाइटेड सम एप्लीकेशंस और वो जो एप्लीकेशंस है वो दो पोस्ट के बारे में है। डेप्यूटी मैनेजर्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं। इसके द्वारा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो पोस्ट है वो है डिप्यूटी मैनेजर का और वो है NHAI में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और पोस्ट का नाम है डिप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स और फाइनेंस और फाइनेंस और अकाउंट्स। यही पोस्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे जाके। तो आगे जाके बात करते हैं क्या है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, कितने रिजर्व के लिए, कैटेगरी पोजिशन क्या है और उस सभी के बारे में आज यहाँ पर बात करेंगे। इस दौरान जो भी रिक्रूटमेंट होगा वहाँ पे टोटल 17 वैकेंसीज खुली हैं और उसके लिए एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं। आउट ऑफ दो 17, जिसको हम बोलते हैं 17 में से 6 जो पोजीशंस हैं, छः जो पोस्ट्स हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और जो सेकेंड है वहाँ पे SC कैटेगरी के लिए पोस्ट है 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 2। तो ये है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे हम और एक बार बात करेंगे, टोटल वैकेंसीज हैं 17, अनरिजर्व्ड हैं 6, SC के लिए है 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5 और EWS, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग होते हैं जहाँ से वो लोग आते हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनके लिए 2 सीट्स। तो कुल मिला के 17 सीट्स है और वो 17 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अभी अभी आपको मैंने बताया है। आगे बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। इसके लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा एज 35 ईयर्स और बिलो 35 ईयर्स है तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर हमारा एज 35 से ज़्यादा है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये है एज लिमिट 35 ईयर्स। उसके बाद हम बात करेंगे पे स्किल की और सैलरी की। यहाँ पे जो सैलरी देने वाला दिया जाने वाला है वो लेवल 10 के हिसाब से 7th पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिलेगा।
पे बैंड होगा 3, और यहाँ पे सैलरी होगा पे बैंड का 56,100 टू 1,77,500 प्लस ग्रेड पे। तो अप्रॉक्स आपको कुल मिला के मोर देन 70,000 आपको मिलेगा। तो ये है इसका जस्ट बेसिक और एस्टिमेटेड कैलकुलेशन, इसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अब हम बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 29 नवंबर 2020। 29 नवंबर 2021 से पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, और आप एप्लीकेशन कर सकते हो 29 नवंबर 2021 तक, उसके बाद ये एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कौन है वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने वाले लोगों में आते हैं बीकॉम, एमकॉम, जिन्होंने बीकॉम किया है, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिन्होंने एमबीए फाइनेंस में किया है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जिनका सीए कंप्लीट है, सीडब्ल्यूए कंप्लीट है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए फाइनेंस में किया है, और जिन्होंने एमबीए इन सॉरी जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कंप्लीट किया है, ये सभी लोग और इस सभी प्रकार के लोग इस पोजीशन के लिए एप्लीकेबल हैं, क्वालिफाइड हैं और एलिजिबल हैं, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। वंस और एक बार मैं इसका क्वालिफिकेशन बोलता हूँ, जो रिक्वायर्ड है बीकॉम एमकॉम चलेगा, एमबीए फाइनेंस चलेगा और सीए भी चलेगा इसके लिए। तो ये है क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अगर अप्लाई करना है तो कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मैंने दिया है, जो हमें वहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। देखते हैं हम क्लिक करके, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये है वेबसाइट जिसके द्वारा हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट खुल रही है, ज़रा वेट कीजिएगा। तो ये है वेबसाइट जिसके द्वारा हमें जाना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। इस वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन भरने का, फिलअप करने का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है। उसको वन बाय वन हमें भरना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट जहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन भरवा सकते हैं। तो इसे हमें याद रखना है, और यहाँ पे जो भी टैब्स हैं उसको टैब को आपको केयरफुली देखना है, और उसके बाद हमें एप्लीकेशन अपना फिलअप करना है। तो ये है इसका वेबसाइट, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है और कंप्लीट करना है। मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बिना भूले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा। साथ ही में यहाँ पे इस वीडियो को आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ को हम और भी बेहतर बना सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे आशा है आप सभी लोग इस NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और आपको एप्लीकेशन करने के लिए आपको पूरे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।